वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना अगेन मीशो साड़ी हॉल होने वाला है, लेकिन मुझे कमेंट आए हुए थे टिशू साड़ी के लिए, तो आज के हॉल वीडियो में आपको एक टिशू साड़ी भी देखने को मिलेगी। एंड प्राइस रेंज की बात करी जाए तो जो सबसे सस्ती साड़ी है वो 697 की है और जो सबसे महंगी है वो 1285 की है। जो टिशू साड़ी है शायद वही है जो कि सबसे महंगी है। एंड साड़ियाँ अच्छी हैं, अभी मैंने अनबॉक्स किया है तो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। अब चलिए आगे देखेंगे कि कैसी हैं, लंबी है, चौड़ी है, हर तरीके से परफेक्ट है कि नहीं। आपको एक एक करके साड़ी दिखाऊं, उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पसंद आएगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए आपको एक एक करके साड़ी दिखाती हूँ। जो फर्स्ट है ये बहुत ही खूबसूरत सी जिमी छू साड़ी है। ये इस तरीके के देखिए ऐसे कलर में है एंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसमें सीक्वेंस एंड जरी से। बहुत ही सुंदर सा कलर है और इस टाइम गर्मियों में तो ऐसे कलर बहुत अच्छे लगेंगे। ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, कट वर्क का डिज़ाइन हो रखा है। एंड प्राइस की बात करी जाए तो ये वाली साड़ी 1185 में है, 1185 की है। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। इस टाइम ऐसी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। बीच में ऐसा लाइनिंग का कॉन्सेप्ट, ये वाला जो काम हो रखा है बीच में ना, ये जरी का काम हो रखा है, सिल्वर जरी का। एंड बॉर्डर में सीक्वेंस और जरी का एम्ब्रॉयडरी मिलता है। इस तरीके से सीक्वेंस एंड जरी का काम हो रखा है, ये देखिए ऐसा बहुत सुंदर लग रही है। हल्की है ये वाली साड़ी, साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी है, कलर बहुत अच्छा है। 1185 के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं कमर के पास से ना, वहाँ से ये वाला एम्ब्रॉयडरी का काम मिलता है। एंड ऊंचाई से एकदम परफेक्ट है, अगर आपकी हाइट 5'6" है तो भी आप फ्लैट्स के साथ पहन सकती हैं। इधर आते हैं, जिधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं तो ऊपर के साइड में प्लेन है एंड नी के नीचे, नी से थोड़ा सा नीचे में ही ये वाला काम मिलेगा, जो लाइनिंग वाला काम है, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग दिया गया है। एंड नीचे के साइड में ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, थोड़ा सा धागा निकला हुआ है तो आप इसे कैची से काट के ठीक कर सकती हैं जब फॉल लगाएंगी तो। एंड कलर तो अच्छा लग ही रहा है, इसमें 3 कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे। अगर ये नहीं अच्छा लगता आपको तो आप दूसरे कलर पे भी जा सकती हैं, वो सारे कलर भी एक से बढ़कर एक हैं। ये पूरे में इस तरीके का नीचे में एम्ब्रॉयडरी मिलता है और लास्ट में इतना सा पोर्शन खाली है 1.5 फिट के आसपास, जितना फर्स्ट ब्रेक में टक करते हैं ना उतना सा। बाकी का एम्ब्रॉयडरी एंड ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ही परचेज करेंगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पसंद ना आए, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। एंड इसी में सिल्क फैब्रिक में ये कुछ इस तरीके का देखिए ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिलता है, जो कि 80 सेंटीमीटर है। एंड इतना सा सीक्वेंस का काम हो रखा है, वैसा कोई बॉर्डर वगैरह का काम नहीं मिलता है। 80 सेंटीमीटर ये फैब्रिक है ब्लाउज के लिए और बीच बीच में इस तरीके का सीक्वेंस का काम मिलता है। कलर अच्छा है, अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना एग्जैक्टली सेम कलर यही है। नेक्स्ट साड़ी जो दिखाने वाली हूँ टिशू सिल्क साड़ी है, बहुत ही सुंदर सी है, फैब्रिक एकदम लाइट वेट है, थोड़ी सी मतलब प्राइजी है। आज को हॉल वीडियो की सबसे महंगी साड़ी है, लेकिन आप कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर सा कलर है। एंड कलर तो जो है बढ़िया है ही, कलर के साथ साथ ना जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो भी एक नंबर है, कलर कॉम्बिनेशन एक नंबर बढ़िया से बैठ रहा है, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। पहले मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये देखिए ब्लाउज एंड साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा सुंदर है ना, मैं क्या बताऊँ। ये रेड कलर है लेकिन थोड़ा सा जैसे पिंकिश रेड नहीं होता उस टाइप का रेड है। ये का छोटा छोटा सा एम्ब्रॉयडरी मिलता है और सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज का कपड़ा, ये बॉर्डर मिलता है इतना सा, जो कि आप अपने स्लीव में या फिर ब्लाउज के बैक में बनवा सकती हैं। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और बीच में ये छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है। 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का फेब्रिक है। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो लंबे स्लीव का ब्लाउज नहीं बनेगा। अगर आप जैसे सोचेंगे 10 इंच तक का स्लीव बनवा लें तो नहीं बन पाएगा, 7-8 इंच तक के स्लीव बन जाएंगे। अब आते हैं साड़ी पर, तो साड़ी तो देख के ही मेरा दिल एकदम खुश हो गया था, बहुत सुंदर है। ये इसका जो एम्ब्रॉयडरी हो रखा है एकदम लाइट वेट है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारी साड़ी है, एकदम लाइट वेट है, बस आपको इसको अच्छे से पहनना होगा, बाकी साड़ी तो बहुत सुंदर लुक निकल के आएगा। इसके साथ ना अगर आपके पास कोई वेलवेट का ब्लाउज है तो वो भी बहुत अच्छे से जाएगा, वेलवेट का डार्क पिंक में है तो वो भी इसके साथ अच्छा लगेगा। एंड रानी पिंक टाइप का थोड़ा सा है तो वो भी इसके साथ अच्छा जाएगा, पिंक कलर का कोई भी शेड उठा लेंगी तो इसके साथ मस्त जाएगा। ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर में एकदम अच्छी फिनिशिंग वाली एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, सीक्वेंस एंड जरी से एम्ब्रॉयडरी मिलती है, टिशू सिल्क फैब्रिक है इसका।
टिशू सारी है एंड बॉर्डर में यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट टाइप सा काम किया हुआ है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छी है, जिनकी शादी है ससुराल में पहनने के लिए ऐसी साड़ियाँ ले सकती हैं। 1200 समथिंग में है आई थिंक, हाँ 1200 कुछ में ही है, 1300 के अंदर की ही साड़ी है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप परचेज करेंगी तो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, इतनी सुंदर सी साड़ी है। पल्ले में छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं ना कमर के पास से, वहाँ से ये वाला बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, अभी जो आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम कलर यही है, कोई डिफरेंस नहीं है, पिंक का लाइट सेड है ये। एंड इधर आते हैं जिधर फ्रंट पीट बनाते हैं ना, तो इधर के साइड में ऊपर में ये पूरा ही प्लेन मिलता है और नीचे के साइड में ये छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है और ये बॉर्डर जो है बॉर्डर कंटिन्यू है, एकदम लाइट वेट है साड़ी ये, आपको संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग डेज में अगर आप पहन रही हैं, नया नया साड़ी पहनना स्टार्ट की हैं, तो बहुत ही आराम रहेगा गर्मियों में भी। यहाँ से ये वाली एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो जाती है बॉर्डर की, और ये इतना सा फैब्रिक ऐसा 2 फिट के आसपास खाली छूटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है। इसका ब्लाउज साड़ी दोनों ही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे यहाँ भी कुछ है नहीं, नहीं तो मैं जल्दी से इसका ब्लाउज स्टिच करा के पहनती। अगर आपके यहाँ शादी पड़ी है, रामायण है, किसी का बर्थडे है, कुछ है तो फिर खरीद के रख सकती हैं एंड ब्लाउज स्टिच करवा के पहनेंगी, बहुत सुंदर लगेगा। ब्लाउज के मैचिंग का आप चूड़ी वेलवेट का ले सकती हैं या फिर चूड़ा, आजकल बहुत फैशन में चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये चूड़ा कहाँ से है, तो चूड़ा मीशो का है, बहुत ही सुंदर सा चूड़ा है, एकदम प्यारा सा है, कंगन बहुत अच्छे हैं। बस इसमें एक चीज़ मुझे कम अच्छी लगी, जो ये फर्स्ट वाला किनारे किनारे लगा हुआ है ना, ये देखिए जो किनारे में है तो इसमें ये ग्लिटर निकल रहा है, जो कि देखिए हाथ में और हाथ से मेरे फेस पे भी हो सकता है पहुँच गया हो, ये इस तरीके का, बस इसमें यही ग्लिटर निकल रहा है, बाकी बहुत अच्छा है। एंड इतना इतना सा है, 2 दर्जन से ज़्यादा ही है, कंगन को मिला के 2 दर्जन से ज़्यादा है। और ये वाला चूड़ा 272 में है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है एंड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। जैसे शादी है आपकी तो आप ऐसे 10-12 सेट लेके रख सकती हैं, ससुराल में बदल बदल के डेली पहन सकती हैं। मेरी शादी के टाइम पे अगर ये मीशो इतना ट्रेंड कर रहा होता ना, तो मैं जितने में एक चूड़ा मैंने परचेज किया था उतने में मैं 10-12 टू परचेज कर लेती और रोज़ बदल बदल के पहनती। बढ़िया है, क्वालिटी वगैरह अच्छा है, वैसे भी कौन रोज़ रोज़ पहनता ही है, अगर एक दो बार भी पहन लिया तो भी पैसा वसूल हो जाएगा। और आजकल फैशन में ना कांच वाली चूड़ियां बहुत चल रही हैं, मरून कलर की, ग्रीन कलर की, तो आप वो भी ट्राई कर सकती हैं ससुराल में अगर पहनना है तो। चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, नहीं तो बातें करते करते ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट साड़ी जो है रेड कलर की है, अब देखिए फिर से रेड कलर आ गया ना, अगर ब्राइड्स हैं तो अपने लिए ट्राई कर सकती हैं। जैसे कुछ कुछ लोग क्या होता है बहुत कढ़ी जड़ी साड़ियाँ ले लेती हैं तो उतनी अच्छी नहीं लगती। आप देखते होंगे कि मैं वीडियो में बहुत कम ऐसा जो धागे का कढ़ाई होता है वैसी साड़ियाँ थोड़ी सी कम अच्छी भी लगती हैं, और मैं बहुत कम ही ऐसा रेयर कभी इंक्लूड करी होंगी, नहीं तो नहीं रखती हूँ मैं बहुत कढ़ी जड़ी। और देखिए इसमें एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन बहुत ही सटल सा एम्ब्रॉयडरी मिलता है, जो बॉर्डर है एकदम सटल सा है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं है। इसमें कैटलॉग में देखने में ही बहुत अच्छी लग रही थी, तो मीशो पे तो अभी सुधार हो रहा है, लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि जैसा दिखता है उससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ना ये जो छोटा छोटा सा बीच बीच में सीक्वेंस का काम हो रखा है, तो उसमें बहुत घना घना सा दिख रहा था, लग रहा था बहुत पास पास होगा, लेकिन आया है तो ये ज़रा सा दूर दूर है। और ये बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर में जो एम्ब्रॉयडरी है ना एकदम अच्छी फिनिशिंग वाली है, देखिए एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग बहुत अच्छा मिलता है एंड एम्ब्रॉयडरी से बॉर्डर का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा मिलता है। बीच बीच में छोटा छोटा सा सीक्वेंस का काम मिलता है। इसका फैब्रिक है विचित्रा सी, प्राइस इसका 1015 रुपीज़ है, 1015 की साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है, ब्राइड्स के लिए भी अच्छी है, अगर दुल्हन है तो ले सकती हैं, किसी की शादी वगैरह अटेंड करना है तो भी परचेज कर सकती हैं, अच्छी लगेगी। बीच में ये छोटा छोटा सा जो सीक्वेंस का काम हो रखा है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एम्ब्रॉयडरी में सीक्वेंस एंड जरी का काम मिलता है। कलर जो अभी आप लोग देख रहे हैं कलर यही है, चटक टमाटरी कलर है एकदम, और ये बीच बीच में पूरा ही सीक्वेंस का काम मिलता है और नीचे के साइड में ये ऐसा बॉर्डर कंटिन्यू है। अच्छी खासी लंबी चौड़ी साड़ी है, 5.5 मीटर लंबी है एंड ऊंचाई से इतनी परफेक्ट है कि अगर आपकी हाइट 5'6" है तो भी आप फ्लैट्स के साथ वेयर कर सकती हैं।
एंड लास्ट में इतना सा 1 मीटर के जितना खाली फैब्रिक मिलता है, जितना फर्स्ट राउंड में टक करते हैं उतना सा, और इसी से लगा हुआ एकदम तड़क भड़क वाला ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है। एकदम ये भड़कीला सीक्वेंस वर्क में आता है। दोनों ही स्लीव के लिए अच्छा खासा ये एम्ब्रॉयडरी मिलता है सीक्वेंस एंड धागे से। जैसे इस तरीके का नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको ब्लाउज छोटा पड़ जाए, यहाँ से प्लेन आ जाए, कुछ भी नहीं है। ये इतना इतना सा फैब्रिक मिलता है, अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी मिलता है, दोनों ही स्लीव के लिए इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है। और ये इतना सा पोर्शन मिलता है जिसमें छोटा छोटा सा सीक्वेंस का काम हो रखा है। ये देखिए ऐसे एक एक ठो सीक्वेंस लगाए गए हैं। एंड जो फ्रंट के लिए मिलता है, आप इसे फ्रंट में रख सकती हैं या फिर बैक में। वैसे फ्रंट में रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आएगा, पार्टी वेयर साड़ी है ये। ये इतना सा देखिए सीक्वेंस का भरा भरा सा काम मिलता है। आप चाहें तो इसे फ्रंट में या फिर बैक में बनवा सकती हैं। ब्लाउज का फेब्रिक सिल्क ब्लेंड है और इनफ है, आराम से बन जाएगा। अगर आप 40 इंचेस तक के बस्ट एरिया वाले ब्लाउज वेयर करती हैं तो भी परफेक्ट आएगा। 1015 में है। एंड इसके साथ ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि आप अपने स्लीव में बनवा सकती हैं। ये बॉर्डर अलग से लग के आया हुआ है, तो ब्लाउज़ के स्लीव में लगवा सकती हैं या फिर ब्लाउज़ के बैक में बनवा सकती हैं, या फिर बेल्ट बनवाना चाहें तो बेल्ट भी इससे बन जाएगी। अच्छा है, साड़ी बढ़िया है, लेकिन ये जैसे पतला है ना तो ये ऐसे मुड़ भी सकता है। इसके लिए इसमें पीछे से फैब्रिक लगवा दीजिएगा ना तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा ये बेल्ट। चलिए अब मैं आपको आज के हॉल वीडियो की नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी दिखाऊं। उसके पहले जो मैंने पहना है उसके बारे में बता देती हूँ। ये वाली साड़ी मिंत्रा की है, इसका हॉल वीडियो आ चुका है, अगर आप लोग को देखना है तो देख सकती हैं। और मिंत्रा पे अभी सेल भी चल रही है तो आपको सेल में ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में भी मिल जाएगी। मुझे 1799 में पड़ी थी। चूड़ा मैंने बताया ही 272 का है, और ये नेकलेस भी मीशो का है। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए। कुछ लोग ब्लाउज के बारे में पूछेंगे तो ब्लाउज मैंने खुद से स्टिच करवाया हुआ है। अब चलिए आज की लास्ट साड़ी दिखाती हूँ, और मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस तो होगा ही, इग्नोर कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट साड़ी पे आते हैं। ये साड़ी कुछ इस तरीके की पर्पल कलर की है, जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी है, और जॉर्जेट फैब्रिक तो कंफर्टेबल रहता ही है। और इसमें ना 10-12 कलर ऑप्शन और हैं, तो अगर ये नहीं अच्छा लगता तो दूसरे कलर पे भी जा सकती हैं। ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, और ये वाला बॉर्डर इस टाइम इतना ज़्यादा फैशन में इन है ना कि जितनी भी साड़ियाँ आ रही हैं सारे में इस तरीके के बॉर्डर लगे हुए आ रहे हैं। और बॉर्डर में मीनाकारी काम मिलता है। ये जॉर्जेट का फेब्रिक है, ऐसा आप ध्यान से देखेंगे ना थोड़ा सा लाइनिंग का कॉन्सेप्ट है इस तरीके से। एंड ऊंचाई से बहुत अच्छी खासी है, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर मिलता है। और इधर आते हैं जिधर फ्रंट स्लीव बनाते हैं तो इस साइड में भी ये ऐसा ही प्लेन है, कहीं कहीं पे ये मीनाकारी वाला काम मिलता है। बॉर्डर कंटिन्यू है, कलर अच्छा लग रहा है, टाई एंड डाई प्रिंट मिलता है इसका। और लास्ट में ये इतना सा फैब्रिक है ऐसा खाली जिसमें बॉर्डर नहीं मिलता है, बाकी का पूरे में बॉर्डर है। और इसी से लगा हुआ ये पर्पल कलर का एकदम डार्क वाला जामुनी कलर है ये, जैसा वाइन कलर होता है उस टाइप का नहीं है, जैसा जामुन का कलर नहीं होता उसका एकदम डार्क वाला सेड इस तरीके का कलर मिलता है। और पूरा 1 मीटर है, 90 सेंटीमीटर है ब्लाउज का फैब्रिक पूरा, और ये इसमें बॉर्डर मिलता है जो कि आप स्लीव पे बनवा सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें 7-8 कलर ऑप्शन और मिलते हैं तो उस पर भी जा सकती हैं, वो सारे कलर्स भी बहुत ही सुंदर हैं। 10-12 कलर ऑप्शन है शायद। ये वाली साड़ी 697 की है, एंड जॉर्जेट फैब्रिक में है, गर्मियों में भी पहनने के लिए अच्छी है, आप पहन सकती हैं, दिन में इरिटेट नहीं करेगी, दिन भर पहन के रख सकती हैं, डेली वेयर के लिए भी बढ़िया है। मुझे डेली वेयर साड़ियों के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो जल्दी ही करूँगी। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कुछ भी मैंने पहना है इसमें से अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, परचेज करना चाहती हैं, तो सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अनदर शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।